और अभी हमने लिया अपना फेस्टिवल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद पीएसआर। मैं पवन और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं डुमराव से नई दिल्ली के लिए, और ट्रेन है 04-04-11 भागलपुर गरीब रथ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पूरी ट्रेन थर्ड एसी है, एसी कोचीज है। मैं आप लोगों को अपडेट करने वाला हूँ कि अभी क्या क्या मिल रहा है। थोड़ा सा अंधेरा है स्टेशन पे, तो वो चीज़ इग्नोर करना। तो मैं आप लोगों को अपडेट करने वाला हूँ क्या क्या मिल रहा है थर्ड एसी में, क्या नहीं मिल रहा है, ब्लैंकेट वगैरह मिल रहा है। तो मैं हर चीज़ अपडेट करने वाला हूँ आप लोगों को, थर्ड एसी में क्या है क्या नहीं है। और इस ट्रेन की अगर मैं टिकट की प्राइस बात करूँ तो हमें यहाँ से डुमराव से पड़ा है 900 रुपये का पर पर्सन, और हम पूरी फैमिली के साथ अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज। और इस ट्रेन का जो भी है मैं आप लोग बता दूँ, बस आने वाली है, और जो स्टॉपेज है वो 8 स्टॉपेज होने वाले हैं टोटल हमारे डुमराव से नई दिल्ली तक। तो वो सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जस्ट अभी ट्रेन हमारी थोड़ी देर में आने वाली है, और अभी मगध एक्सप्रेस आ रही है, तो चल के वो दिखाता हूँ आप लोगों को। और अभी आ चुकी है मगध एक्सप्रेस, और इसके बाद ही हमारी ट्रेन भी आने वाली है, जो कि ये जाती है नई दिल्ली, और हमारी आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ है जो कि आनंद विहार तक जाएगी। फाइनली आ चुके हैं, अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ। और वह ये कि बहुत पीछे था डब्बा, मतलब काफ़ी पीछे था, तो हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ा, और इतना आप लोगों को डिपार्चर नहीं दिखाया पाया अपने स्टेशन का। और अभी जैसे ट्रेन आई तो मैंने आप लोगों को दिखाया, और एक बार मैं इसके अंदर का इंटीरियर दिखा दूँ। तो ये अपना इस तरफ दिया हुआ है मिरर, और इधर मैं दिख रहा हूँ, बाकी इधर स्विच दिया हुआ है, इधर चार्जिंग वगैरह पॉइंट, और इधर ये कुछ भी अपना टांगों पहले की तरह ही मिरर किसी में रहता किसी में नहीं रहता। और सीटें वगैरह गड़बड़ कर रखी हैं, जैसे मेरी दो सीट उधर थी तो वो इधर शिफ्ट कर रखी है, और इधर सामान वामान रखने के लिए, बाकी इधर ये सीट पहले की तरह ही सीट है, और इधर ये अपनी एक दो तीनों सीट अपनी ही है, और इधर भी इधर की ये नीचे हो रही है दो सीट, और इधर गौरव बैठा है, बाकी इधर का सामान वामान। और इधर इसका वॉशरूम दिया हुआ है, बाकी इसमें पानी आ ही रहा है, और इधर मिरर लगा हुआ है, बाकी चलते हैं पर वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई तो यार ये इधर मिरर लगा है, और उधर वाले वॉशरूम के बारे में बात करूँ तो बहुत ही बेकार किया हुआ है लोगों ने, बहुत ज़्यादा बेकार किया हुआ है। और इधर ये लग रहा है इधर हैंड वॉश के लिए, मैं भी हैंड वॉश कर ही लेता हूँ, पानी बिल्कुल भी सही नहीं था। और इधर स्विच है, बाकी इसके वॉशरूम में यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, और इधर फैन दिया हुआ है जो कि चलता वलता नहीं है, बाकी इधर लाइट है, और इधर मिरर जो मैंने आप लोगों को दिखाया ही तो बस चलता है। और अगर मैं इसके साइड लोअर की बात करूँ तो एक ऊपर की सीट ये है, और एक इसकी सीट बीच में दी हुई है, और बाकी अपन की इधर नीचे सीट है, और एक इधर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, और एक बीच वाले के लिए बैठने के लिए वहाँ पे दिया रहता है, जो आप लोगों को 8 नंबर सीट दिख रहा है। अभी मैं पहुँच गया हूँ बक्सर, और इसका अगर मैं स्टेशन कोड की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है BX7। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये ट्रेन हमारी गरीब रथ सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है इसका, यहाँ पर 2 मिनट रुकने वाली है, और यहाँ पर अभी पहले से ज़्यादा ट्रेनें चला दी इन्होंने। और इस स्टेशन को अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की सोन पापड़ी वगैरह काफ़ी फेमस है, देखो डुमराव की हम चढ़े थे वहाँ का डिपार्चर मैंने नहीं दिखाया, और ये नेक्स्ट स्टेशन है, 2 मिनट में भाई निकलने वाली है, तो बस चलते हैं अभी। Thank you.
पहुंच चुके हैं दिलदार नगर जंक्शन, और इसके अगर मैं स्टेशन कोड की बात करूं तो इसका स्टेशन कोड है DNR, और यहाँ पे इसका 2 मिनट का ही सिर्फ हॉल्ट है। और अभी लॉकडाउन के बाद यहाँ पे भी गाड़ियों बढ़ा दी गई हैं, कुछ ही रोकते हैं। वैसे छोटा सा स्टेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। गरीब रथ का स्टॉपेज का इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे मतलब जो आनंदगढ़ जाते हैं लोग इधर के, तो इसके लिए। और इसके बाद इसका ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है, मुश्किल से 5-6 स्टॉपेज ही है। और यहाँ चल रही है अभी खाने की तैयारी, ये देखो प्लेट लेके मांग रही है। और इधर मोंटी मुंह क्यों फाड़ रहा है, तो ये हम आज घर से खाना लेकर के आए हैं, पूरी और सब्जी। आज मैं बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अवेलेबल भी नहीं दिखा रहा था, और लेके भी आए हुए हैं। और ये हमारी सर सब्जी, नीचे वाला सबसे दो दे दीजिएगा। कितने का है? और ये मिल गया अपना अमूल कूल, तो चलो पीते हैं इसे। और अभी हमने लिया अपना अमूल कूल, अभी हम पहुंच गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और जिसका नाम पहले था मुगल सराय और अब बदल चुका है। और अगर हम स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है DDU, और इस पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। अगर मैं प्लेटफॉर्म के हमारे टोटल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 8 प्लेटफॉर्म है। और हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम आई है, बस 5 मिनट लेट होगी, वो पीछे रुक गई थी इसलिए, लेकिन टाइम से आई गई। और स्टेशन ये है कि क्योंकि ये एक दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रूट तो कटते ही हैं अपने। और अभी जो हमने लिया था अमूल कूल, यार उसकी तो बात ही अलग है, मज़ा आ गया उसे पी के। तो चलो बस टाइम भी होने वाला है, तो चलते हैं। अभी हो गया सोने का टाइम, तो रात को कोई क्या ही कोई सा स्टेशन दिखाऊँ, तो बस चलो मिलता हूँ आप लोगों से कल। अब मैं भी चलता हूँ पर सोने। वेलकम बैक टू चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अलीगढ़ जंक्शन पार हुआ है। और अगर सुबह तक मैं वॉशरूम की कंडीशन बात करूं तो अभी तक सही है, मतलब ठीक ठाक काम चला हुआ है। और रात को तो हमारे एक तरफ का तो बहुत बेकार था जब हमने बोर्ड किया था,
वो मैंने दिखाया ही था। और बस अभी 1 घंटे में 9 बजे हमारा पहुँचने का टाइम है, तो जस्ट 9 बजे आनंदगढ़ पहुँचते थे हमें।